इसीलिए हमें थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, देखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड तमिल। हेलो हेलो, व्हाट इज योर नेम? इज दिराजू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। नाउ इन हिंदी। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिराजू है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नाउ इन तमिल। வணக்கம் வணக்கம். உங்கள் பேர் என்ன? என் பெயர் பிராஜு. நீங்கள் எப்படி இருக்கீர்கள்? நான் நன்றாக இருக்கிறேன். ஹலோ, மற்றும் நமஸ்கார் கோ போல்தே வணக்கம் வணக்கம். வாட் இஸ் யுவர் நேம்? இஸ்கோ ஹம் தமிழ் மே போலங்கே. உங்கள் பேர் என்ன? ஆப் ஆன்சர் தேங்கே. My name, इसका तमिल में बोलेंगे एन पेयर फिर आपका नाम। अब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप आंसर देगा। उंगल पेयर एन है। गुड। इसके बाद हाउ आर यू, मैं आपको पूछूंगा इन तमिल। आई विल आस्क यू निंगल एपड़ी इरुदिरिकल। आप आंसर देंगे आई एम फाइन। इसका तमिल में होगा नान नंगा इरुकेन। निंगल एपड़ी इरुकेन। ये हो गया तमिल। इसका हम जब साउथ में गए थे तो एक ये जो हमें सिखाया था, मतलब जोश जगाने के लिए। तो आज तमिल जो है उसमें जोश जगाने के लिए जो सेंटेंस है, आप कैसे हो और हम अच्छे हैं, इसका हम ये करके बोल सकते हैं, राइट? लेकिन जोश जगना चाहिए। ओके, मैं आपको शॉर्ट में पूछूंगा। ये जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है और बोली, मतलब जो बोलते हैं वो अलग होता है। तो हमने जो तमिल में लास्ट दो सेंटेंस सीखे, इसका जो बोली है, मतलब थोड़ा शॉर्ट करके बोलते हैं। मैं आपको पूछूंगा एपड़ी इरुकेन, राइट? और आप मुझे आंसर देंगे नल्ला इरुकेन, मतलब हम अच्छे। ओके, मैं आपको पूछूंगा एपड़ी इरुकेन, आप कहेंगे नल्ला इरुकेन। ठीक है, समझ में आ गया? एपड़ी इरुकेन आवाज आनी चाहिए। एपड़ी इरुकेन, ये जो पेड़ है ना, इसके पत्ते गिर जाने चाहिए, इतनी आवाज आनी चाहिए। एपड़ी इरुकेन, हाथ ऊपर करके एपड़ी इरुकेन। नहीं मजा आ रहा है सर? किरण सर ठीक लग रहा है? नहीं ठीक लग रहा है सर। एक एक और ट्राई करते हैं। आधा आधा करो, एक बार इनसे करो, और दो हाउस करके, दो हाउस बाय हाउस करो। ये हाउस, ये हाउस, पहले ये दो हाउस करेंगे, फिर ये। एपड़ी इरुके, एपड़ी इरुके। अब सब साथ में लास्ट टाइम ओनली, एकदम जोश के साथ हाथ ऊपर करके एपड़ी इरुके। वेरी गुड।